नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में कई सारे फेरबदल हुए हैं, कई सारे बदलाव आपको देखने को मिले होंगे। एनडीए और महागठबंधन का स्ट्रक्चर भी पूरी तरह से बदल गया। एक तरफ जहां महागठबंधन में राजद के साथ वाम दल हैं और दूसरी तरफ एनडीए में वीआईपी शामिल हो गई है, हम शामिल हो गई है जेडीयू के अलावे और बीजेपी के अलावे। बात अगर जमुई विधानसभा सीट की करें तो जमुई से पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे अजय प्रताप चुनाव लड़ना चाहते थे एनडीए के टिकट पर, और वहीं नरेंद्र सिंह के दूसरे बेटे सुमित सिंह भी चकाई विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन एनडीए को दोनों नरेंद्र सिंह के दोनों बेटों को एनडीए की तरफ से टिकट नहीं मिला, जिसकी वजह से एनडीए उन लोगों ने छोड़ दिया है और नरेंद्र सिंह ने नाराजगी जताई है। क्या कुछ कहा है आप सुनिए। मित्रों, तीसरी पीढ़ी हूं मैं अपने वंश का। मेरे दादा स्वर्गीय श्री कृष्ण बाबू स्वतंत्रता सेनानी थे और देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया और एमपी रहे, मिनिस्टर भी रहे, लेकिन जो भी हो रहे सिर्फ जनता के लिए रहे, स्वयं के लिए नहीं रहे। जो किया उन्होंने जनता के लिए किया। उसके बाद मेरे पिता जिले के अभिभावक आप सबके नेता आदरणीय नरेंद्र तीन तीन बार मंत्री रहे और हर बार इन्होंने मंत्री पद को लात मार दिया। किसके लिए? आपके लिए, जनता के लिए। मंत्री तो बने हुए हैं, बोल नहीं पाते हैं, सेक्रेटरी नहीं सुनता है, मुख्यमंत्री के सामने मुंह नहीं खुलता है, फिर भी जूता उठाने के लिए मंत्री बने हुए। जूता उठाने वाले मंत्री मंत्री किसका? जब स्वाभिमान खोके ही रहना है तो किस नाम का मंत्री पद? ऐसा स्वाभिमान खोके मंत्री पद और विधायक को नहीं। और जब मैं आपके बीच में आया, अभय था मेरे पहले, उसने अपनी सेवा की, फिर हम दोनों भाई आए, परिस्थितियां बदली, फिर मैं भी चुनाव के मैदान में आया। मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, दूर दूर तक, जबकि मैं राजनीति के गर्भ से पला बढ़ा जवान हुआ, लेकिन राजनीति के गोद में खेला, फिर भी मुझे राजनीति से दूर दूर तक मेरा कोई नाता रिश्ता नहीं। अभय की घटना के बाद एक संक्रमण काल आया, एक भयावह विकट आ गए, विकटता आई हम सबके सामने। उस वक्त भी मेरे पिताजी ने हमसे पूछा कि तुम चुनाव लड़ना चाहते हो, तो मैंने कहा नहीं, कहा मेरी बात मानो ना मानो, लेकिन सामने जो जनता है एक बार उनकी आंख में आंख डाल के बता देना कि दिल में हाथ रख के कि तुमको चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, अपने लिए लड़ना लड़ो, जम्मू की जनता के लिए सोच लेना है। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो जमुई की जनता ने मुझे सर अखबार में बिठाते हुए 25,000 मतों से जिताकर एक रिकॉर्ड मुझे विधानसभा भेजा। और पहले दिन से मैं हमेशा कहता हूं, नेताओं के चोचले होते हैं कि बीच में से कोई सेक्रेटरी है, कोई बॉडीगार्ड है, कोई चमचे हैं, कोई बेलचे हैं, लेकिन कोई यहां कोई नहीं कह सकता कि मैंने मूल विधायक नेताओं वाला चोचला कभी नहीं पाला। हमेशा हम लोगों ने दरवाजा खुला रख के रखा, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी भी इस समाज से लोग आए, हमसे मिले, अपनी अपनी समस्या कही और मैंने उसका समाधान दिया, मैंने उनका सुना, चाहे वो वोट हमको दिया हो नहीं दिया हो, मैंने ऐसी परवाह नहीं की। कई लोगों ने कहा फलाना तो आपको वोट नहीं दिया, हम कि उसने वोट दिया हो ना दिया हो, मैं तो पूरे संपूर्ण जमुई जिले जमुई विधानसभा के लिए चुना गया। मेरे पूरे जमुई की जनता मेरे लिए जनता है, मेरे अपने परिवार का समान है, उसने वोट दिया नहीं दिया। मेरा कर्तव्य यह है कि मेरे सरपरस्ती में ये आए हैं तो मेरा कर्तव्य है इसका काम करें। तो आपने नरेंद्र सिंह की बातें सुनी, उन्होंने कहा है कि एनडीए ने मेरे दोनों बेटों को टिकट नहीं दिया है, कहीं ना कहीं एनडीए ने हमें छलने का काम किया है, बीते लंबे समय तक हमने एनडीए में रहकर आम जनता की सेवा की है और अपने कई साल एनडीए को दिए हैं, लेकिन इस प्रकार का छल करना बहुत बुरा साबित हुआ है उनके लिए भी और एनडीए की जो
स्थिति है, एनडीए का जो चेहरा है वो खुलकर जमुई के लोगों के सामने आया है और नरेंद्र सिंह ने जमुई के लोगों को ये भरोसा जताया है कि हम जैसे पहले आपके लिए काम करते आए हैं और आज भी चाहे हम एनडीए में रहें या ना रहें, नरेंद्र सिंह और उनका परिवार हमेशा जमुई के लोगों के लिए खड़ा रहेगा। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।